दोस्तों आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूं दो नए ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जिनका जो इंडिया लॉन्च है फिलहाल यहां पर कंफर्म कर दिया गया है। और ये जो स्मार्टफोन है वो जून के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाले, यानी आप कह सकते हैं कि इसी वीक में ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर, यानी आप कह सकते हैं कि इसी वीक में ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाले हैं। स्मार्टफोन अपनी प्राइस हिसाब से काफी किलर स्मार्टफोन है, काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्मार्टफोन है, किस कंपनी के स्मार्टफोन है, चीजें आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूं आपसे यहां पर सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो निकल कर आता है वीवो की तरफ से। और यहां पर वीवो T1 सीरीज के स्मार्टफोन कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च किए गए हैं। वीवो यहां पर प्लान करने लगा वीवो T2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट भी ऑफिशियली कंफर्म होकर के आ चुकी है। वीवो T2 जो स्मार्टफोन है वो एक काफी किलर स्मार्टफोन होने वाला है, जिस तरीके से वीवो T1 स्मार्टफोन निकल कर आया है। और यहां पर ये लोग हाई एंड प्रोसेसर को भी काफी सस्ते प्राइस पॉइंट पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। Vivo T2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए कंफर्म कर दिया गया है 6 जून को यह जो स्मार्टफोन है वो यहां पर चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में यह स्मार्टफोन यहां पर इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन की बात करें कुछ फीचर्स के बारे में, तो Vivo T2 स्मार्टफोन में आपको बड़ा हाईलाइटिंग फीचर यह है कि आपको Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर है। उसके साथ में आपको 12GB तक की जो रैम है वो देखने को मिल जाएगी, 47mAh की बैटरी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में 80 वैट का चार्जर देखने को मिलने वाला है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर अगर बात करूं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की जो चाइनीज प्राइस होने वाली है लगभग यहां पर 25,000 रुपए के आसपास में होगी। और इंडिया में जब यह स्मार्टफोन आएगा तो मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो अंडर 20K की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। मतलब वीवो जो है वो तो ये लोग पहले क्या स्मार्टफोन लॉन्च करते थे और अभी क्या स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ये काफी शॉकिंग चीज है। अब देखते हैं क्या चीजें निकल कर के आती हैं, किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं जो कि फिलहाल यहां पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो ये स्मार्टफोन निकल कर के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G52J। ये स्मार्टफोन यहां पर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। और अगर बात करूं इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के बारे में, तो इसका इंडिया लॉन्च 100% कंफर्म हो गया है। और ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने वाला है इसी जून के महीने में। और ये पॉसिबल है कि 10 जून से पहले ये स्मार्टफोन यहां पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अनाउंस भी कर दिया जाए। फ्लिपकार्ट पर यह स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में बात करूं तो डिजाइनिंग ठीक ठाक दी गई है। आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलती है फ्रंट के साइड में, पीछे की साइड ट्रिपल गियर कैमरा का सेटअप है, प्लास्टिक का ही बैक आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन की बात करूं अगर यहां पर कुछ फीचर्स के बारे में, तो 6.8 इंच की FHD+ आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलती है। प्रोसेसर को यहां पर मोटोरोला ने काफी हद तक हाईलाइट किया है, लोगों ने यूज किया है Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर, 5MAh की बैटरी है। उसके साथ में आपको 6GB रैम, 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। 13MP का सेल्फी कैमरा फ्रंट के साइड में, सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में आपको देखने को मिलता है। 2MP का डेप्थ सेंसिंग सेंसर आपको देखने को मिलता है। उसके साथ में अगर बात करूं स्मार्टफोन के बैक पैनल, उसके साथ में बात करूं स्मार्टफोन के बैक कैमरे के बारे में, तो 50MP का बैक कैमरा पीछे की साइड प्रोवाइड किया गया है। तो ये पूरे कंफर्म फीचर्स हैं जो कि आपको मोटो G52J स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। अब स्मार्टफोन की बात करूं प्राइस के बारे में, तो पता चल रहा है, तो बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन यहां पर इंडिया में 15,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर मोटोरोला प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए। तो यह स्मार्टफोन अगर 15,000 से नीचे आता है तो स्मार्टफोन काफी किलर होगा, अगर इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर को देखें तो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन के बारे में, आपको इनमें से कौन से स्मार्टफोन का ज्यादा इंतजार है इंडिया में लॉन्च होने के लिए, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।